Praise God. Praise God. Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें. Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें. Father, we thank you for this one more day. पिता ए और एक और दिन आपने हमें दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं. We worship you and we thank you. हम आपकी आराधना करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं. Once again, Father, we commit our life in your hand. फिर से एक बार पिता हम हमारा जीवन आपके हवाले करते हैं. We pray, Lord, give us more grace. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और अनुग्रह करो. Holy Spirit, be with us. पवित्र आत्मा हमारे साथ रहो. And if we have made you or we have hurt you, we say sorry. और यदि हमने को दुखी किया है तो हम माफी चाहते हैं. We love you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा हम आपसे प्रेम करते हैं. You are the head of the our church. आप हमारी कलीसिया के सिर हो. And we worship you. और हम आपकी आराधना करते हैं. We welcome you. हम आपका स्वागत करते हैं. Today bless with your word. आज आपके वचन से आशीष दो. Talk with each one. हर एक के साथ बात करो. Who are listening, watching, bless them, Father, I pray. जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आशीष दो पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ. And help us to preach your word. और हमें मदद करो आपके वचन का प्रचार करने के लिए. Father, give us today our bread. पिता आज हमें आज की रोटी दो. In Jesus name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. And bless each one. और हर एक को आशीष दो. Bless each with peace. हर एक को शांति का आशीष दो. Bless each one with the truth. और हर एक को सत्य का आशीर्वाद मिले. Each eye open in Jesus name. हर एक आंख यीशु के नाम में खुल जाए. Each ear open in Jesus name. हर एक कान यीशु के नाम में खुल जाए. Each heart open in Jesus name. हर एक हृदय यीशु के नाम में खुल जाए. And be blessed with the truth. और सत्य से आशीषित हो जाए. And get and receive the grace that Jesus Christ gives. और यीशु मसीह जो अनुग्रह देता है वो अनुग्रह पाले. In Jesus name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ. And I say amen. और मैं amen कहता हूँ. Amen. Amen. Hallelujah. यहोवा की स्तुति हो. Once again I welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार मैं आप सबका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम में. Shalom to each one. हर एक को शांति हो. God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है. And so we are living. और इसीलिए अब तक हम जीवित है. We got get life. And we have life because of Jesus Christ. हमें जीवन मिलता है और जीवन मिला है केवल प्रभु यीशु मसीह की वजह से. And it is God willing that we receive more life to receive more life. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमें ज्यादा जीवन मिले और हम ज्यादा जीवन पाए. Amen. Amen. And we get life so that we can know who God our God is. और हम इसलिए जीवन पाते हैं ताकि हमें ये पता चले कि परमेश्वर कौन है. What is the nature of our God? और हमारे परमेश्वर का स्वभाव कैसा है. We, when we read Bible, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, we come to the truth. तब हम सत्य के पास आते हैं. We understand what is, who is God. और हम समझते हैं कि परमेश्वर कौन है. And when his will are fulfilled, और जब उसकी इच्छा पूरी होती है, then we come more close and we get more revelation. तब हम उसके और करीब आते हैं और हमें ज्यादा ज्ञान मिलता है. And this is the time that we should spend with our Lord. और ये समय है कि हमें हमारे प्रभु के साथ बिताना चाहिए. Amen. Amen. God action we can see in this life. ये जीवन में हम परमेश्वर के कार्यों को देख सकते हैं. मैसेज इज टू लॉन्ग बट गॉड विल गिव यू ग्रेस. मैसेज बहुत लंबा है लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करे. आई थिंक यू हैव ऑलरेडी रेस्ट वेरी वेल. मैं सोचता हूँ कि तुम सबने अच्छा आराम किया Now है. गॉड इज गोइंग टू टॉक विद अस. अब परमेश्वर हमारे साथ बात करने वाला Because है. बिकॉज़ वी आर ओपनिंग अवर बाइबल. क्योंकि हमने हमारे बाइबल खोले हैं. एंड गॉड स्पीक थ्रू हिज वर्ड. और परमेश्वर अपने वचनों से बात करता है. Psalm 30:91-14 says, वचन संहिता 91वां अध्याय और 14वां वचन कहता है, You have loved me, you set your love upon me. तूने मुझे प्रेम किया है, तेरा प्रेम मेरे ऊपर बनाया है. Therefore I will deliver you. इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा. And I will set you on high. और मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा. Because you have known my name. क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है. Many times we think that what if I love God, what will happen? बहुत बार हम सोचते हैं कि यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करूं तो क्या मिलेगा, क्या होगा. God what said that he will be revealed unto us. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने आप को हमारे सामने प्रकट करेगा. And what is hidden before the world? और जो जगत के सामने गुप्त है वो प्रकट करेगा. I will say, God, world don't and never and don't know God.
मैं कहूंगा कि दुनिया वाले कभी परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, नहीं जानते हैं। But who have set his love upon God? लेकिन जिसने परमेश्वर को प्रेम किया है, there is no hidden of anything of God. तो परमेश्वर से वो व्यक्ति के लिए कुछ छुपा नहीं रहता है। God reveal all thing. परमेश्वर सब कुछ प्रकट करता है। When someone love God. जब कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तब। First Corinthians 2:9 says. पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय नौवां वचन कहता है। It is written like that. ऐसा लिखा गया है। Eyes that have not seen. आंखें जिस The eyes that have not जो आँखने, ever seen. जो आंखें नहीं देखी। Nor ear have heard anything. और कान ने जो नहीं सुना। And even the thought or neither at that thought of man's heart has been It not be enter in man's heart like that thought. और मनुष्य के हृदय में जो विचार नहीं आए हैं ऐसा. That all things are been prepared for those who have loved God. ऐसी बातें परमेश्वर ने उसे प्रेम करने वालों के लिए तैयार रखी है. So I want to know God. तो मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूँ. How can I know God? मैं परमेश्वर को कैसे जान सकता हूँ? If I start loving my God. यदि मैं मेरे परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करूँ. So Jesus said in John 14:21. इसलिए यीशु ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय 21वां वचन. If you love me, you will keep my commandment. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे. And I will manifest before you. और मैं अपने आप को तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा. I will reveal this is my work or this is not my work. और मैं उसे बताऊंगा कि ये मेरा काम है या ये मेरा काम नहीं है. Many time people say that this virus is from God. बहुत बार लोग कहते हैं कि ये वायरस परमेश्वर की ओर से है. People say, Muslim people say, our Allah has punished the people. मुस्लिम लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे अल्लाह ने लोगों को सजा दी है. And if Allah has punished the world, then his people will not die. और यदि अल्लाह ने दुनिया वालों को सजा दी है तो अल्लाह के लोग नहीं मरेंगे. Only the people who don't believe in Allah, they will die. जो लोग अल्लाह में नहीं मानते हैं केवल वही मरेंगे ऐसा वो कहते हैं. And Christian people say that this is because of sin. और ईसाई लोग कहते हैं कि ये तो पाप की वजह से हुआ है. And so people have started stopping doing sin. इसलिए लोगों ने पाप करना बंद किया है. And many people say, scientists and the wise man of the world says. और वैज्ञानिक लोग और दुनिया के विद्वान लोग ये कहते हैं. This is because of some reaction. ये कोई तो रिएक्शन की वजह से हुआ है. It some had this did a mistake and this is just a flu going on over the world. कुछ गलती हो गई और वो गलती की वजह से ये रोग निकला है. This is not because of sin. ये पाप की वजह से नहीं हुआ. And this is not because of God. और ये परमेश्वर ने भी नहीं किया. And this is not because of Satan. और ये शैतान की वजह से भी नहीं हुआ. But other people say this is Satan working. लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये शैतान काम कर रहा है. Satan is bringing this curse upon the people. शैतान लोगों के ऊपर ये श्राप ला रहा है. Because people are believing God. क्योंकि लोग परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं इसलिए. So these things are hidden. Who did this thing? तो ये किसने किया है ये बात अब तक रहस्य है. And so who are believing in that truth or received the truth? तो इस तरह की सारी बातों में जो सत्य बातों को जो लोग सत्य मानते हैं, they remain in that truth. वो वही सत्य में रहते हैं. But the truth Bible what it says? लेकिन बाइबल जो सच्चाई कहता है, that God react when something people do. जब लोग कुछ करते हैं तो परमेश्वर भी कुछ बर्ताव करता है. When someone love God, जब कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, he get revelation about the things that are hidden. तो जो गुप्त बातें हैं उनके बारे में वो व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, प्रकाश मिलता है. Deuteronomy 5:4 से 5 and verse 9 says. व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय 9वां वचन कहता है. Those who hate me, Jehovah God says. यहोवा परमेश्वर कहता है जो मुझसे नफरत करते हैं. I will reward with my wrath. मैं उनके ऊपर मेरा क्रोध डालूंगा. If you worship not me, यदि तुम मेरी आराधना ना करो. And make me a jealous. और मुझे मुझे ईर्ष्या कराओ. And then I will punish not only you but your four and third four generation. तो मैं तुम्हें ही नहीं लेकिन तुम्हारी तीसरी चौथी पीढ़ी को भी सजा दूंगा. So God get angry also. तो परमेश्वर को गुस्सा भी आता है. When someone don't love God.
जब कोई परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है तब सो गॉड रिएक्ट व्हेन समवन लव तो जब कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तब भी परमेश्वर कुछ करता है एंड समवन हेट गॉड देन आल्सो गॉड वी सी द रिएक्शन इन द वर्ल्ड और जब परमेश्वर से कोई नफरत करता है तब भी हम उसका कुछ तो प्रतिक्रिया देखते हैं बट वी चर्च ऑफ लिविंग गॉड लेकिन हम जीवित परमेश्वर की मंडली वी बिलीव हम ये विश्वास करते हैं दिस इज मैन डूइंग दिस इज द This is cause of man doing. आज का जो समय आज जो हो रहा है ये मनुष्य ने किया है मनुष्य से हुआ है Man has dig pit for other people. मनुष्य ने दूसरे लोगों के लिए खड्डा खोदा They dig the pit for other people. उन्होंने दूसरे लोगों के लिए खड्डा खोदा Now they are fall in their own trap. और अब वो अपनी खुद की जाल में पड़े हैं So it is not God. We cannot blame God. तो ये परमेश्वर ने नहीं किया परमेश्वर पर हम दोष नहीं लगा सकते So we cannot pray God please. Stop. इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर इसे रोक लो And we cannot say it is Satan did. If we say Satan did, और हम शैतान ने किया ऐसा कहे तो हम वो भी नहीं कह सकते Because when someone says stop corona, if he doesn't listen, क्योंकि जब कोई कहे कि कोरोना रुक जा और कोरोना नहीं रुकता नहीं सुनता, it means that this is not the demon that is been, we have authority over that. तो फिर ये दुष्ट आत्मा का काम नहीं है जो दुष्ट आत्माओं के ऊपर हमको अधिकार मिला है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट गेव अथॉरिटी ओवर ऑल डीमंस प्रभु यीशु मसीह ने सारे दुष्ट आत्माओं पर हमें अधिकार दिया एंड गॉड हैज गिवन अस राइट ओवर डिजीज आल्सो और परमेश्वर ने हमें रोगों के ऊपर भी अधिकार दिया है एंड दोज हु कम टू जीसस वी कैन प्रे फॉर देम और जो लोग यीशु मसीह के पास आए उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं वी कैन से कोरोना गो इन जीसस नेम और हम कह सकते हैं कोरोना यीशु के नाम में निकल जा बिकॉज डिजीज आर बिकॉज ऑफ मैन कॉज और बाय शैतान आल्सो क्योंकि रोग मनुष्य से भी आ सकते हैं और शैतान से भी आ सकते हैं एंड बाय Unknowingly also. और अनजाने में भी ऐसा हो सकता है And by God wrath also. और परमेश्वर के कोप से भी आता है So people are today misleaded. तो आज के लोगों को गलत फहमी हो रही है And so they shout and pray. इसीलिए वो चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं But they don't know the real cause. लेकिन उसका सही कारण वो नहीं जानते God get angry. Yes, that is truth. परमेश्वर को गुस्सा आता है हाँ ये सच है फर्स्ट कुरिन्थी 10:4-5 says, पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय 4वां और 5वां वचन कहता है God brought all his beloved people Israel out of Egypt. परमेश्वर ने अपने प्रिय लोग इज़राइल को मिस्र से बाहर निकाला A Lord sent angel and that was Jesus Christ. और प्रभु ने दूत भेजा जो यीशु मसीह था And he guided this Israel out of Egypt. और उसने ये इजरायली लोगों को मिस्र से बाहर निकाला एंड जीसस क्राइस्ट अबाउट जीसस क्राइस्ट इट इज रिटन दैट ही वाज द रॉक फॉर ऑफ सल्वेशन फॉर दैट इजरायल पीपल और यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा गया है कि वो इजरायल के लोगों के लिए यीशु मसीह उद्धार का चट्टान था एंड ही ब्रॉट ऑल द इजरायल सेफली फ्रॉम दैट स्लेवरी और यीशु मसीह ने सारे इजरायलियों को वो गुलामी से सुरक्षित बाहर निकाला स्टिल पीपल डाउट दिस एंजल ऑफ लॉर्ड फिर भी लोगों ने ये प्रभु के दूत पर संदेह किया एंड दे डिसप्लीज दैट लॉर्ड और वो प्रभु को उन्होंने नाखुश किया सो समवन विल किल बिकॉज ऑफ दैट टेम्प्टिंग गॉड इसीलिए जो लोगों ने परमेश्वर को दुख पहुंचाया उसकी वजह से कुछ लोगों को मार डाला गया वर्स 5 सेज पांचवा वचन कहता है Yet with most of them God was displeased for they were stuck down in the desert for that they were stuck down परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए मारे गए God get upset that is the truth परमेश्वर उदास होता है ये सच है God get angry that is the truth परमेश्वर गुस्सा करता है ये भी सच है God loves that is the truth परमेश्वर प्रेम करता है ये भी सच है In Old Testament we read in Genesis 38:9 पुराने नियम उत्पत्ति की किताब 38वां अध्याय 9वें वचन में हम पढ़ते हैं We know Judah he had two sons हम जानते हैं कि यहूदा के दो बेटे थे द फर्स्ट सन वॉज बॉर्न ही वॉज मैरिड बट हैड नो चाइल्ड पहला बेटा था वो उसकी शादी हो गई थी लेकिन उसका कोई बेटा नहीं हुआ था एंड देयर वॉज
this tradition that Lord has said that if your brother die, the other brother should take responsibility of that wife, of that woman. और उन लोगों में ये परंपरा थी कि यदि बड़ा भाई मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को रखे. Other have to marry, the other brother have to marry this widow to obtain children. और जो भाई मरने से जो पत्नी विधवा हो गई है वो विधवा के साथ उसके भाई के दूसरे भाई उसके पति के भाई को शादी करनी पड़ती होती थी बच्चे संतान पैदा करने के लिए. Verse 9 we read. नवा वचन हम पढ़ते हैं. The and Onan knew that the seed should not be his. He don't want that my child it would be called. Onan तो जानता था कि संतान तो मेरी नहीं ठहरेगी. And he came to that lady, came to his bypass and went into his brother's wife. He went in that room. और जब वो अपने भाई की पत्नी के साथ अपनी भाभी के पास गया. Then he slept, but he split it on the ground. He didn't want that my seed would be in this woman's seed. Womb. वो उसके साथ सो गया और तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले. So we see that he don't want to make this widow मदर ऑफ चाइल्ड. तो हम यहाँ देखते हैं कि वो नहीं चाहता था कि ये विधवा माता बने ऐसा वो नहीं चाहता था. And that Lord from heaven saw in verse 10. और दसवें वचन में लिखा है कि प्रभु ने ये स्वर्ग से आकाश से देखा. The thing that this brother did, वो जो उसके भाई ने जो काम किया, that was evil. That Lord saw that. वो काम गलत था वो और प्रभु ने ये देखा. And Lord God was hurted seeing this thing. और यहोवा ये देखकर अप्रसन्न हुआ. So Lord killed him. That is the reaction we see. और इसीलिए परमेश्वर ने उसे मार डाला और ये परमेश्वर की प्रतिक्रिया हम देखते हैं. So God react on the spot when he see things. तो जब परमेश्वर कुछ देखता है तो तुरंत ही वो प्रतिक्रिया देता है. Even God is tired when he see the same thing happening. और वही बात जब परमेश्वर होते हुए देखता है तो उसे कंटाला आता है. In Yeshaya 1 and 14 says, यशाया की किताब पहला अध्याय 14वां वचन कहता है, your noon, your new moon saying and your appointed feast, all that I'm watching, it hurt my heart. My soul is hearted. तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ. I hate this thing, watching this every new moon you come out and just do the things. हर एक नए चांद पर तुम आ जाते हो और परंपरागत जो करना है करते रहते हो वो देखकर मैं अब थक गया हूँ. That troubles me. उससे मैं दुखी हुआ हूँ. I am very to bear them. I am not able to bear that. It is very hard. वे सब मुझे बोझ से जान पड़ते हैं मेरे लिए कठिन है. So Lord was tired of seeing same mistake they are doing. और वही गलती करते हैं वो देखकर प्रभु अब थक गया है. So God react when he see things. तो जब परमेश्वर देखता है कुछ तो वो प्रतिक्रिया देता है. Yeah, God even hurt in his heart. परमेश्वर को अपने हृदय में दुख भी होता है. 1 Samuel 8 and verse 3, 8 and 7. पहला समूएल 8वां अध्याय 7वां वचन. God said to Samuel. प्रभु ने समूएल से कहा, listen to the voice of the people. Let the what people are saying, listen them. लोग जो तुझे कहते हैं उनको सुन. They have not rejected you, but they have rejected me. लोगों ने तुझे समूएल तुझे नहीं नकारा है लेकिन मुझे यहोवा को नकारा है. When they said we want king, जब उन्होंने ऐसा कहा कि हमें राजा चाहिए. And Samuel said, I am the prophet. और समूएल ने कहा कि मैं भविष्यवक्ता हूँ. You don't need any king. तुम्हें कोई राजा की जरूरत नहीं है. I will come, listen God and we'll talk with you. मैं परमेश्वर से सुनूंगा और तुम्हारे साथ बात करूंगा. You need no
father or king over you. तुम्हारे ऊपर कोई पिता या राजा की जरूरत नहीं है. Whenever you are in trouble, just come to me and I will pray for you. जब भी तुम्हें मुश्किल आ जाए, मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा. You don't need king, oh Israel people. Hey इज़राइली लोग, तुम्हें राजा की जरूरत नहीं है. But God came to Samuel and said. लेकिन परमेश्वर ने समूएल के पास आकर कहा, They are not rejecting you. वो तेरा नकार नहीं कर रहे हैं. They are rejecting me. उन्होंने मेरा नकार किया है. They don't want that I order them and I be king over them. वो नहीं चाहते कि मैं उन्हें आदेश दूं और उनका राजा बनूं, ऐसा नहीं चाहते. So Lord was hurted in his heart when people asked for king. तो जब लोगों ने राजा मांगा, तब यहोवा को अपने हृदय में दुख हुआ. And he opened his heart to Samuel and said. और यहोवा ने अपना हृदय समूएल से खोला और कहा, They are rejected me. उन्होंने मुझे नकारा है. And Lord left the people. और परमेश्वर लोगों को छोड़कर चला गया. Because they wanted man to rule. क्योंकि वो ये चाहते थे कि मनुष्य हमारे ऊपर राजा बने. This is the truth that even our God, he fell in love also. और ये सच्चा है कि हमारा परमेश्वर प्रेम में भी पड़ता है. Jeremiah 31:3 says. यर्मिया की किताब 31वां अध्याय 3रा वचन कहता है. The Lord was had appeared of old to me, saying. यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है. I have loved you. मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ. With an everlasting love I have loved you, O Jeremiah. हे यर्मिया, मैं तुझे सदा प्रेम करता आया हूँ. Therefore, with loving kindness have I drawn you to me. इसी कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है. Lord even fell in love with the people. प्रभु लोगों के साथ प्रेम में भी पड़ता है. When someone have a good nature. जब किसी का अच्छा स्वभाव होता है. 1 Samuel 13 and verse 14 says. पहला समूएल 13वां अध्याय 14वां वचन कहता है. Samuel said to this king Saul. समूएल ने ए साउल राजा से कहा. If you obeyed Lord's voice. यदि तूने यहोवा की वाणी मानी होती. Then your kingdom should be established forever. तो तेरा राज्य सदा के लिए ठहरता. But Jehovah had commanded you to be leader over his people. Yes, God has ordered you over the people. हाँ, परमेश्वर ने तुझे लोगों के ऊपर राजा नियुक्त किया था. But you didn't obey the commandment of God. लेकिन तूने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना. So Lord has seeking for his people a king. इसलिए परमेश्वर अब दूसरे किसी को राजा बनाने के लिए ढूंढता है. God hate this Saul because he disobeyed God. साउल राजा ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, इसलिए परमेश्वर ने उससे नफरत की. 1 King 14 and verse 22. पहला राजा 14वां अध्याय 22वां वचन. The Judah sin in the sight of Lord. और यहूदा ने प्रभु की यहोवा की दृष्टि में बुरा जो था वो किया. So we see God every time watches from heaven. Do you sin or do you do good or do you do bad? तो हम देखते हैं कि हर बार परमेश्वर स्वर्ग से देखता है कि क्या आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो. And when someone don't obey God, he get angry. और जब कोई परमेश्वर को नहीं मानता है, आज्ञा उल्लंघन करता है, तो उसे गुस्सा आता है. In Psalm 95:9-10. भजन संहिता 95वां अध्याय उसका 9th and 10th verse. 9वां और 10वां वचन 95. 40 years God was with Israel and they grieved the Lord. 40 साल तक परमेश्वर इज़राइल के साथ रहा और उन्होंने परमेश्वर को दुख पहुंचाया. And said it is a people that error in their heart, they Every time doubt me. और कहा कि ये तो भरमाने वाले मन के लोग हैं जो हर बार मेरे में संदेह करते हैं. They have not known my ways. I have been with them 40 years. मैं उनके साथ 40 साल तक रहा, लेकिन उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं देखा. I have deal with them. मैंने उनके साथ व्यवहार किया. They tormented me every time. They spoke in their heart unbelief things. हर बार उन्होंने मुझे दुख पहुंचाया और अपने हृदय में अविश्वास की बातें बोलते रहे. Therefore I fought in my word. I in angerness I have taken some sword. इस कारण क्रोध में आकर मैंने शपथ खाई. They will not enter in my house or they will not enter in my rest. वो मेरे विश्राम स्थान में या मेरे घर में प्रवेश नहीं करेंगे. So we see reaction when people do something.
तो जब लोग कुछ करते हैं तो हम परमेश्वर की प्रतिक्रिया देखते हैं। So God get angry? तो परमेश्वर को गुस्सा आता है। When someone mock God get angry? जब कोई मजाक करता है परमेश्वर को गुस्सा आता है। In 2 Chronicles 36 and verse 16 says, दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 16वां वचन कहता है, When messenger was sent, people mocked at the messenger. जब संदेशवाहक को भेजा गया तब लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई। And when that messenger spoke words of God, people despised that word of God. और जब वो परमेश्वर के स्वर्ग संदेशवाहक ने दूत ने yes. वचन बोले तब लोगों ने उसे तुच्छ जाना, उसकी मजाक उड़ाई। They deceived the messenger also. और वो भविष्यवक्ता की भी हंसी उड़ाते थे। The poor people, the poor messenger of God, poor in heart. और जो परमेश्वर के जो दीन भविष्यवक्ता थे, नम्र लोग थे, they were innocent prophets. वो निर्दोष भविष्यवक्ता थे। But people tried to cheat them. लेकिन लोगों ने उनके साथ छल कपट करने की कोशिश की। And so what God did? इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? Until the wrath of Lord arose against his people, there was no redeeming. जब तक परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क उठा तब तक कोई छुड़ाया नहीं गया। They had no medicine they found to be cured. और चंगे होने के लिए उनके पास कोई ऐसी दवाई नहीं मिली। So God wrath when it is poured, तो जब परमेश्वर का क्रोध आता है, उंगला जाता है, until his angerness doesn't stop, और जब तक उसका गुस्सा नहीं रुकता, no medicine any man can find out, तब तक कोई भी दवाई कोई मनुष्य नहीं ढूंढ सकता। So here we read, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, until the wrath of Lord arose against his people, till there was no curation, there was no cure. लोगों के ऊपर जब तक यहोवा का क्रोध बढ़का था तब तक उनको कोई छुटकारा नहीं मिला, कोई दवाई नहीं मिली, कोई उपाय नहीं रहा। Such God bid that they cannot find any redeem. परमेश्वर ने इस तरह से मारा कि उनको कोई छुड़ा ना सके, कोई उपाय ना मिले। God, when people tested him, जब लोगों ने परमेश्वर tempted him, परीक्षा की, tempted also, जब लोगों ने परमेश्वर को परीक्षण में डाला, in Psalm 78 and verse 41. भजन संहिता 78वां अध्याय उसका 41वां वचन, they again turned and tempted God. उन्होंने वो फिर से मुड़ गए और परमेश्वर को दुख पहुंचाया, and limited the holy God of Israel. और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। Already they had a witness when they were in Egypt. वो जब मिस्र में थे तब उनको बहुत सारी गवाही मिली थी। They saw God curse the Egyptian and saved Israel. उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने मिस्र को श्राप दिया और इज़राइल को बचाया। They saw signs and wonders happening. और उन्होंने चिन्ह और चमत्कार होते हुए देखा। Even they saw water turning into blood. और उन्होंने ये भी देखा कि पानी लहू बन गया। And they saw that God has smote all the firstborn of Egyptian. और मिस्र के पहले पुत्र को सब पहले पुत्र को परमेश्वर ने मार डाला, ये भी इज़राइली लोगों ने देखा। 51-52 we read, God took revenge of his people. 51वां वचन और 52वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों का बदला लिया। And also it's written that, but God, like his own people, to he let him them go forth like sheep. Oh my sheep, you can further, I am coming. लेकिन परमेश्वर ने उनको अपने भेड़ों के जैसे चलाया, ये कहकर कि हे मेरे भेड़, तुम चलो सुरक्षित रहो। And also guided them in the wilderness like a flock. 52 verse. परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों की नाई प्रस्थान कराया और जंगल में उनकी अगवाई पशुओं के झुंड की सी की। Verse 52-53. 53वां वचन। And God led them on swiftly so that they fear not. तब वे उसके चलाने से बेखटके चले। We also, when we are living without trouble, we were safe. जब हम जीवित हैं तो हम भी जब समस्या नहीं होती है तब सुरक्षित रहते हैं। And we forget God. और हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। And this God of Israel, people saw that enemies were being destroyed in that sea.
और ये इसराइल के परमेश्वर ने और इसराइल के लोगों ने ये देखा कि उनके दुश्मनों को तितर बितर कर दिया गया. एंड दे वर डिस्ट्रॉयड इन द सी, और समुंदर में दुश्मनों को समुंदर में सबको डुबा दिया गया, मार दिया गया. इन वर्स 55 सेज, 55 में वचन में कहा है, गॉड ड्रॉ आउट द नेशंस आल्सो बिफोर देम व्हेन ही केम आउट फ्रॉम इजिप्ट. मिस्र से जब वो निकले तब परमेश्वर ने उनके सामने से अन्य जातियों को भगा दिया. एंड अलॉट देम फॉर एन इनहेरिट बाय लाइन एंड मेड द ट्राइब्स ऑफ इज़राइल टू ड्वेल इन देयर टेंट्स. और उनकी भूमि को डोरी से माप कर बांट दिया और इज़राइल के गोत्रों को उनके डेरों में बसाया. सो गॉड ब्रॉट देम फ्रॉम स्लेवरी टू अ लैंड, देयर ओन लैंड. तो परमेश्वर उनको वो गुलामी से निकाल कर अपनी खुद की जमीन पर ले आया. Still Israel tested, doubted God. फिर भी इज़राइल ने परमेश्वर की परीक्षा की, उसमें संदेह किया. People fought with God. You did this, you did that. और लोगों ने ये कहा कि परमेश्वर तुमने ये किया वो किया, ऐसा करकर परमेश्वर के सामने लड़े. God gave them commandment, they disobeyed God. परमेश्वर ने उनको आज्ञाएं दी लेकिन उन्होंने नहीं मानी. They broke the commandments also. उन्होंने आज्ञाएं भी तोड़ दी. They broke the covenant that God has said you should do this. और परमेश्वर ने जो वाचा उनके साथ बांधी थी वो भी उन्होंने तोड़ दिया. Now look, God is Lord is complaining to David. अब प्रभु दाऊद से फरियाद करता है. These Israel people are like clucked bow. 57. वचन, और मुड़कर अपने पुरखाओं की नाई विश्वासघात किया, उन्होंने निकम में धनुष की नाई धोखा दिया है. So Lord is talking with David. तो प्रभु दाऊद के साथ बात कर रहा है. I love you David. दाऊद मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. I want to tell what that Israel people did. लेकिन इज़राइल के लोगों ने जो किया वो मैं तुझे बताना चाहता हूँ. They have rejected me. उन्होंने मुझे नकारा है. I am telling the story. They were in slavery. मैं तुम्हें दाऊद तुझे बता रहा हूँ कि वो गुलामी में थे. And from there I brought them out. और वो गुलामी में से मैंने उन्हें निकाला. They saw wonderful my might power. और उन्होंने मेरा सामर्थ और सामर्थ के काम देखे. And they rejected me. फिर भी उन्होंने मुझे नकार दिया. I have been with them 40 years. मैं उनके साथ 40 साल रहा. Still they started tempting me. फिर भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली. And more I have drive away the enemies before them. और तो और मैंने उनके दुश्मनों को भी भगा दिया. And I gave them tent to live. और उनको मैंने उनके डेरों में बसाया. I have been shelter for them. और मैं उनका आश्रय स्थान बना. 78-61 वचन संहिता 78 अध्याय 61 वचन. Here it says he delivered their strength power into captives. Those who were strong men, he delivered them to be captive. यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो लोग मजबूत थे, सामर्थी थे, उनको वो उसने गुलामी में भेज दिया. And who were beautiful women, और जो सुंदर स्त्रियाँ थी, hand over to enemies, उनको दुश्मनों के हवाले कर दिया. And he surrendered his people to sword. और उसने अपने लोगों को तरवार के अधीन कर दिया. God was so angry that he fired devour that young man. और परमेश्वर इतना गुस्से में आया कि उसने उसके जवान लोगों को भस्म कर दिए. And their virgin have no marriage song. और उनकी कुमारियों के विवाह के गीत ना गाए गए. And their Israel priest fell by sword. और उनके इज़राइल के याजक तलवार से मारे गए. And their widow made no cry. और उनकी विधवाएं रोने भी ना पाई. And God was so angry that this Israel saw angerness of God. और परमेश्वर का क्रोध इतना था कि इज़राइल ने परमेश्वर के क्रोध को देखा. So God get angry also. तो परमेश्वर को गुस्सा भी आता है. We know God even is troubled in his heart. हम जानते हैं कि परमेश्वर को अपने हृदय में दुख भी होता है. He get pain also. उसे दुख होता है, दर्द भी होता है. In Proverbs 27 and verse 11 says. नीति वचन 27 अध्याय 11 वचन कहता है. Here King Solomon got revelation that he understood the heart of God. यहाँ सुलेमान राजा को परमेश्वर का ज्ञान मिला और परमेश्वर के हृदय को वो समझा. My son, हे मेरे पुत्र, be wise.
बुद्धिमान हो एंड मेक माय हार्ट ग्लैड और मेरे मन को आनंदित कर दैट आई मे आंसर हिम हु टॉन्ट मी तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दूंगा सो देयर आर पीपल हु मॉक एट गॉड तो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की निंदा करते हैं देयर आर स्पिरिट दैट टॉन्ट गॉड ऐसे आत्माएं हैं जो परमेश्वर को ताना मारते हैं एंड गॉड वांट दैट माय पीपल शुड बिहेव दैट गॉड बी ग्लैड और परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे लोग ऐसा बर्ताव करें कि मैं उनके बर्ताव से खुश रहूं गॉड लव्स हिज पीपल सो मच दैट ही went with his people to fight with the enemies parmeshwar apne logo se itna prem karta hai ki apne logo ke sath unke dushmanon se ladne ke liye bhi parmeshwar gaya yes god parmeshwar ka when israel went to fight jab israel ladne ke liye gaya they were doing like that with the sword tab wo apni talwar se is tarah se kar rahe the they didn't saw that even jehovah the lord is with them par unhone dekha bhi nahi ki unka parmeshwar jehovah unke sath hai they thought that we are killing wo sochte the ki hum logo ko maar rahe hain deuteronomy 20 and verse 4 says vyavastha vivran 20va adhyay 4tha vachan kehta hai for the lord your god is he that going with you kyunki tumhara parmeshwar jehovah tumhare shatruon se yuddh karne tumhare sath jata hai you fight for your Yeah, for he fight for you against your enemies to save you. और तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए बचाने के लिए वो तुम्हारे दुश्मनों के साथ लड़ता है. So this is what we read. This is the first part that God has heart. तो ये सारी बातें हमने पढ़ी और ये पहला भाग है कि परमेश्वर का हृदय है. When someone loves, he fall in love. जब कोई उसे प्रेम करता है तो वो प्रेम में पड़ता है. When someone hate God, God get angry. और जब कोई परमेश्वर से नफरत करता है परमेश्वर को गुस्सा आता है. And we see the reaction in the world. और हम दुनिया में उसकी प्रतिक्रिया देखते हैं. We see judgment coming upon the people. और लोगों के ऊपर उसका न्याय आते हुए हम देखते हैं. Now we are just changing some topic. पर अब हम वो हमारे मुद्दे को बदलेंगे पॉल रिसीव गॉड एंड रिसीव लॉर्ड एंड रिसीव होली स्पिरिट पौलुस ने परमेश्वर को पाया प्रभु को पाया और पवित्र आत्मा को पाया पॉल रिसीव्ड गॉड पौलुस ने परमेश्वर को पाया ही रिसीव्ड स्पिरिट ऑफ गॉड उसने परमेश्वर के आत्मा को पाया फर्स्ट कुरिन्थियस 7 वर्स 40 सेज पहला कुरिन्थी 7वां अध्याय 40वां वचन कहता है ही वाज राइटिंग टू चर्च पौलुस कलीसिया से लिख रहा था एंड ही सेज और वो कहता है आई थिंक दैट आई ऑल्सो हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड मैं सोचता हूँ कि मेरा विचार है कि मुझे भी परमेश्वर का आत्मा है आई सपोज ही सेज आई सपोज दैट आई ऑल्सो हैव स्पिरिट ऑफ गॉड पौलुस कहता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे भी परमेश्वर का आत्मा है आई एम नॉट श्योर बट आई डू थिंक सो I'm not sure, but I think so. मैं स्पष्ट तो नहीं हूँ लेकिन मैं ये सोचता हूँ विचार करता हूँ Because I also understand what would be reaction of God. क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि परमेश्वर की प्रतिक्रिया कैसी होगी I have little bit wisdom God gave me. परमेश्वर ने मुझे कुछ ज्ञान दिया है I think I have such feeling that God is having. मैं सोचता हूँ कि मेरे अंदर ऐसे कुछ एहसास है जो परमेश्वर में है I can judge as God judge. और जैसे परमेश्वर न्याय करता है वैसे मैं न्याय कर सकता हूँ Without God, I too can share my views as God would share. और परमेश्वर के बिना ही मेरे दृष्टिकोण में बता सकता हूँ ऐसे कि जैसे परमेश्वर बता रहा है I can know what is happening in God's heart parmeshwar ke hriday mein kya ho raha hai wo main jaan sakta hu as you ask me to may I too can reply as God would answer jaise aapne aap mujhse poochte ho to jaise parmeshwar jawab de us tarah se main bhi jawab de sakta hu I am visible main drishyaman hu God is invisible parmeshwar adrishya hai if someone say I want to know what and how it came यदि कोई ऐसा कहे कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब कैसे हुआ Then I would speak as God would say. तो जैसे परमेश्वर उसे जवाब देता उस तरह से मैं बोल सकता हूँ जवाब दे सकता हूँ. I say I think I have also spirit of God. इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मेरे पास भी परमेश्वर का आत्मा है Roman 9:1 says. रोमियो का पत्र 9वां अध्याय पहला वचन कहता है I am confirmed, I am speaking truth that I have received Holy Spirit too.
मैं सच कहता हूँ कि मैंने पवित्र आत्मा भी पाया है। I say the truth in Christ, I lie not. I am Christian now. मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं मसीही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। My conscience also bearing witness with me. और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। Yes, witness in the Holy Spirit that Holy Spirit also I my heart is also confirmed. मेरा विवेक भी खात्री देता है पवित्र आत्मा के साथ। I have received Holy Spirit. मैंने पवित्र आत्मा पाया है। I am speaking the truth. मैं सच बोल रहा हूँ। So Paul was led by Holy Spirit. तो पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता था। Now he says something that I want to share. और अब पौलुस कुछ कह रहा है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। 2 Corinthians 11:2. दूसरा कुरंथी 11वां अध्याय 2वां वचन। Paul says I am jealous. पौलुस कहता है कि मुझे ईर्ष्या हो रही है। In Greek word it is used desiolo, desilu. ग्रीक में यूनानी भाषा में जो शब्द लिखा है वो desiolo, desilu, desilo, desilo. Here he says I am desilo. यहाँ पर पौलुस कहता है कि मुझे ईर्ष्या हो रही है desilo. With God desilo. परमेश्वर के संदर्भ में मुझे ईर्ष्या हो रही है। As God is having zeal, I also having same zeal. परमेश्वर ईर्ष्या। Yes. परमेश्वर को जैसे ईर्ष्या होती है वैसे मुझे भी ईर्ष्या हो रही है। As God is excited, I am also excited. और जैसे परमेश्वर में आवेश आता है वैसे मुझ में भी आवेश हो रहा है। As God is powerful, he want to say something, strong desire, having strong desire, I too have same strong desire. जैसे परमेश्वर सामर्थ्य और उसके अंदर बहुत ही जोश भरा आवेश है और कुछ कहना चाहते हैं, वैसा ही आवेश मुझ में है और वैसे ही मैं कहना चाहता हूँ। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Hallelujah. यहोवा की स्तुति हो। So 2 Corinthians 11:2. दूसरा कुरंथी 11वां अध्याय 2वां वचन। I am jealous for you. तुम्हारे godly jealous. तुम्हारे विषय में परमेश्वर के ईर्ष्या से मुझे ईर्ष्या हो रही है। I am worried about you. तुम्हारे लिए मैं चिंता कर रहा हूँ। As God is worried. जैसे परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता है। I am in tension. As God is in tension. जैसे परमेश्वर चिंता में रहता है, परेशान होता है, वैसे मैं भी परेशान हूँ। I am afraid. As God is afraid. परमेश्वर को डर लगता है वैसे मैं भी डरता हूँ। Now you might say that do God afraid? अब शायद आप कहोगे क्या परमेश्वर डरता है? Do God become weak? क्या परमेश्वर कमजोर होता है? Can God cry? क्या परमेश्वर रो सकता है? Can God have such zeal for his people? क्या परमेश्वर का ऐसा कोई आवेश उसके लोगों के लिए हो सकता है? This is truth. ये सच्चाई है. Because Paul, when he says that I also jealous, I have also the same feeling that God is having. क्योंकि पौलुस ऐसा कह रहा है कि परमेश्वर के अंदर जो ईर्ष्या और आवेश है तुम्हारे लिए वो ही एहसास मेरे अंदर है, मैं वो ही महसूस करता हूँ। Because I promise you in marriage to one husband. क्योंकि मैंने तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंपा है। I have promised someone that I will hand over to you, oh Jesus Christ. मैंने किसी को वचन दिया है कि हे यीशु मसीह। I promise to Jesus Christ. मैंने यीशु मसीह को वचन दिया है कि हे मसीह, मैं ये लोगों को तेरे तुझे सौंपूंगा। I want you to be present pure to Christ as virgin. और मैं तुम्हें कुंवारी कन्या के समान शुद्ध मसीह के सामने प्रकट करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। Paul was afraid for he was having worry. पौलुस डरता था क्योंकि वो चिंता में था। He was also moved with some interest. और पौलुस को कुछ इच्छा से भी ऐसा एहसास हुआ। Because he got a thought. क्योंकि पौलुस को विचार आया। That serpent deceived that Eve, you by his cunningness,
यू माइट टू बी डिसीव्ड बाय शैतान। जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन को भी शायद कोई बहका दे। सो पॉल सेज आई एम वेरी हैविंग मच वरीड। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में चिंतित हूँ। आई एम फियर, आई मीन फियर, और मैं डरता हूँ। बट आई फियर, ही सेज, बट आई फियर। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं डरता हूँ। डू गॉड फियर? क्या परमेश्वर डरता है? अ थॉट केम इन हिज माइंड, उसके इन पॉल्स माइंड, पौलुस के दिमाग में विचार आया, शैतान डिसीव्ड ईव, शैतान ने हवा को बहकाया, धोखा दिया। थ्रू हिज कनिंगनेस, उसकी चतुराई से। सेम वे, ओ पॉल, योर चर्च माइट बी गेट डिसीव्ड। उसी तरह है पौलुस, तेरी कलीसिया को भी कोई धोखे में डाल सकता है। सो बेटर प्रे फॉर योर पीपल, तो अच्छा ये है तेरे लोगों के लिए प्रार्थना कर। दे लूज नॉट देयर फेथ इन क्राइस्ट, और वो मसीहा में अपना विश्वास गवा ना दे, खो ना दे। देयर माइंड नॉट बी करप्टेड, वो भ्रष्ट ना हो जाए। दे आर इनोसेंट पीपल, वो निर्दोष लोग, भोले लोग है। सो सीइंग अ इनोसेंट पीपल, पॉल वॉज फियर्ड। तो ऐसे भोले लोगों को देखकर पौलुस को डर लगा। वेन यू सेंड योर स्मॉल चाइल्ड आउट ऑफ हाउस, यू गेट फियर। जब आप आपके छोटे बच्चे को घर से बाहर भेजते हो तब आपको डर लगता है। बिकॉज यू नो द इनोसेंसी ऑफ योर चाइल्ड, क्योंकि आप आपके बच्चे के भोलेपन को जानते हो। देयर आर पीपल एंड दे कैन डिसीव योर चाइल्ड, बाहर ऐसे लोग हैं जो आपके बच्चे को धोखे में डाल सकते हैं। एंड सो इवन इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन, यू हैव लिटिल फियर। तो इसीलिए यदि आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो तो भी आपके अंदर डर रहता है। गॉड लव्स हिज पीपल, परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। एंड सो दैट इज द वीकनेस, इसीलिए वो परमेश्वर की कमजोरी है। आई विल से गॉड आल्सो हैव सम फियर, मैं कहूंगा कि परमेश्वर भी कुछ बातों से डरता है। सो ही स्पीक विथ हिज पीपल, इसीलिए वो अपने लोगों के साथ बोलता है। एवरी टाइम ही वॉन्ट टू स्पीक एंड बी विथ हिज पीपल एज अ सोल्जर, हर बार वो अपने लोगों के साथ बात करना चाहता है और सैनिक के जैसे उनके साथ रहना चाहता है। गॉड ऑल्सो इज अफ्रेड, परमेश्वर को भी डर लगता है। ऑफ सेवन थिंग्स ही गेट अफ्रेड, सात बातों से परमेश्वर को डर लगता है, डर सताता है। इज दैट ट्रूथ, क्या ये सच है? इफ व्हेन पॉल सेज आई हैव सेम थिंग दैट गॉड इज हैविंग, जब पौलुस कहता है कि परमेश्वर के हृदय में जो है वही मेरे हृदय में है। आई हैव ग्रीक वर्ड, व्हेन ही यूज दिस, पौलुस जब ये यूनानी शब्द उपयोग करता है, डिजलो, आई हैव सेम नेचर, आई हैव रिसीव सेम, वही स्वभाव मैंने भी पाया है, ऐसा पौलुस कहता है। आई एम नॉट Inspired by Satan and I am in fear. Satan से प्रेरणा पाकर मुझे डर नहीं लगता है, या चिंता नहीं होती है। But I have godly nature. लेकिन मेरा परमेश्वर जैसा मेरा स्वभाव है, दैवी स्वभाव। And I am also fear. Because God is fear. और परमेश्वर को भी डर सताता है, इसलिए मुझे भी डर सताता है। सो आई एम राइटिंग टू यू चर्च, इसलिए कलीसिया मैं तुझसे सब लिख रहा हूँ। यू डोंट डाउट गॉड, तुम परमेश्वर में संदेह मत करो। एंड डोंट लेट योर गुड नेचर बी करप्टेड, और तुम्हारा अच्छा स्वभाव बहकाया ना जाए, भ्रष्ट ना हो जाए। फ्रॉम द सिंप्लिसिटी दैट इज इन क्राइस्ट, innocency in Christ, you don't leave that good nature. मसीह में जो भोलापन है और जो सच्चाई है उसे तुम मत छोड़ो। Seven, God is afraid of seven things. सात बातों से परमेश्वर को डर रहता है। God is afraid of losing you, not losing the battle. आपको छोड़ने से परमेश्वर को डर लगता है, युद्ध हार जाने। Losing you, you might be get lost. युद्ध हार जाने से परमेश्वर को डर नहीं लगता,
लेकिन आप शायद कहीं खो ना जाओ उसका उसे डर लगता है. गॉड इज हेल्पलेस. परमेश्वर निसहाय हो जाता. गॉड इज हेल्पलेस. हाँ परमेश्वर निसहाय है. द लॉर्ड हुम आई मेट ही इज अ हेल्प. ही इज हेल्पलेस इन सम टाइम. आई हैव सॉ दैट. जो प्रभु से मैं मिला हूँ वो कुछ बातों में निसहाय हो जाता है ये मैंने देखा है. व्हेन सैतान यूज स्वीट वर्ड्स. जब सैतान मीठे मीठे शब्द बोलता है. ही शोज हिज पावर. और जब वो उसका सामर्थ दिखाता है. देन पीपल आर डिसीव्ड. तब लोगों को धोखे में डाला जाता है. एंड सो गॉड इज हेल्पलेस. और तब परमेश्वर निसहाय हो जाता है. ही वांट दैट हिज पीपल बी टू स्ट्रांग एंड फाइट विद सैतान एंड देन He will not be afraid. परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग इतने मजबूत बन जाए और शैतान का सामना करे और ऐसा हो जाए तो परमेश्वर नहीं डरेगा फिर. Amen. Amen. Praise God. परमेश्वर का महिमा हो. God is helpless. परमेश्वर निसहाय हो जाता है. Now this Paul says that I have fear that Satan might deceive you. अब ये पौलुस कहता है कि मैं डरता हूँ कि शैतान शायद तुम्हें बहकाए. If you think that this is a Satan thought put in Paul's mind, यदि आप ऐसा सोचो कि शैतान पौलुस के मन में जो विचार आया वो शैतान का विचार है. But we read whole Bible. If we have read whole Bible, we would know that Paul was fighting with Satan every time. लेकिन यदि आपने पूरा बाइबल पढ़ा हो तो हम जानेंगे कि हर बार पौलुस शैतान से लड़ता रहता है. Even Paul says, we know all the strategy of Satan. पौलुस ये भी कहता है कि शैतान के सारे प्रलोभनों को हम जानते हैं. How he deceived the people. वो लोगों को कैसे धोखे में डालता है. Paul says in 1 Corinthians 10:4. दूसरा कोरिन्थी 10वां अध्याय 4वें वचन में पौलुस कहता है. For the weapons of our welfare are not fleshly. We don't fight using flesh. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं. We don't use our mind. हम हमारे दिमाग का उपयोग नहीं. We don't use our fleshy hand. और हमारे शारीरिक हाथ का उपयोग हम नहीं करते. We don't use our fleshy tongue. और हमारी ये शारीरिक जीभ का उपयोग हम नहीं करते. If someone speak against God, यदि कोई परमेश्वर के विरोध में बोले. We don't use our tongue. तब हम हमारे जीभ जबान का उपयोग नहीं करते. We don't use our hand. तब हम हमारे हाथ का उपयोग नहीं करते. But we use divinely power. लेकिन हम आत्मिक सामर्थ्य का उपयोग करते हैं. And demolish of strongholds. और वो सब गढ़ों को गिरा देते हैं. That is against our God. जो हमारे परमेश्वर के विरोध में उनको गिरा देते हैं. Same way, challenge the world and show our faith. We challenge the world. To challenge the world to show our faith. तो इसी तरह हमारा विश्वास दिखाने के लिए हम दुनिया वालों को चुनौती देते हैं. We don't hide our wisdom. हम हमारे ज्ञान को छिपाते नहीं. But we show that God is with us. लेकिन हम दिखाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है. We prove that we are right. और हम साबित करते हैं कि हम सही है. Amen. Amen. So Paul was having, he was not led by Satan. तो पौलुस को शैतान से कोई अगवाही नहीं मिली थी. And when he said that I am in fear, और जब पौलुस ने कहा कि मैं डरता हूँ तुम्हारे विषय में. Don't think that devil had gave him a thought that, oh Paul, be afraid because I am going to destroy church. तो ऐसा मत सोचो कि शैतान ने पौलुस को ये सोच दिया था कि हे पौलुस मैं तेरी कलीसिया को छीन लूंगा तू डर. ऐसा शैतान ने नहीं कहा था. बट God is feared. लेकिन परमेश्वर को God is afraid. लेकिन परमेश्वर को डर रहता है. Because he loves his people. क्योंकि वो अपने लोगों से प्रेम करता है. God is helpless. परमेश्वर निसहाय हो जाता है. He cannot do anything. वो कुछ भी नहीं कर सकता. There are seven reasons why God cannot do anything. और ऐसी सात कारण है कि परमेश्वर क्यों कुछ नहीं कर सकता. First thing. पहली बात. Matthew 13:58. मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय 58वां वचन. He cannot help them who don't believe. जो लोग विश्वास नहीं करते उनको वो मदद नहीं कर सकता. He cannot help when someone don't believe. जब कोई विश्वास ना करे उनको वो मदद नहीं कर सकता. He cannot help, he cannot save, and he cannot even heal. वो मदद भी नहीं कर सकता, बचा भी नहीं सकता और चंगाई भी नहीं दे सकता. And he did not
work many miracles there because of their lack of faith. और यीशु ने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के चमत्कार नहीं किए. Mark 6:5 says the same thing. मरकुस का सुसमाचार 6:5 यही बात कहता है. He was not able to do any work of power over there. और यीशु वहाँ कोई सामर्थ्य का काम न कर सका. Except laying some hands over few sick and he healed them and went out. केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और फिर वहां से वो निकल गया. He was amazed because of their unbelief. उनका अविश्वास देखकर उसे आश्चर्य लगा. And he was going around the other city, went out another city. और चारों ओर के गांवों में वो उपदेश करने गया. So we see God or Lord reaction over the people. तो हम हमारे प्रभु का ये प्रतिक्रिया देखते हैं लोगों के ऊपर. When someone doubt, जब कोई संदेह करता है, he is helpless. तब वो असहाय है. 1 Corinthians 15:33. पहला कुरिन्थी 15:33. This is the truth that innocent people might be misled when it come in bad company. ये सच्चाई है कि भोले लोगों को बहकाया जाता है जब वो बुरी संगति के साथ रहते हैं. And their good nature, the innocent people good nature may be corrupted. और भोले लोगों का अच्छा चरित्र बिगड़ जा सकता है. So it says be deceived not. इसीलिए कहा गया है धोखा ना खाओ. Hosea 4:6 says. होशिया की किताब 4:6 When someone have no knowledge, they are innocent people. जब किसी को कुछ ज्ञान नहीं होता है तो वो भोले लोग होते हैं. And because of their lack of knowledge, they do the things that is not they should do. और उनके पास ज्ञान ना होने की वजह से जो नहीं करना चाहिए वो काम वो करते हैं. When people don't know what to eat and what not to eat. जब लोग ये नहीं जानते कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. So because of their ignorance, तो उनके अनदेखे में unknowingly they do the things and God is helpless over there. तो अनजाने में वो ऐसी बातें करते हैं और उनके लिए परमेश्वर निसहाय हो जाता है. You know Balaam, he didn't saw God is against him. और हम बालाम को जानते हैं, उसने ये नहीं समझा कि परमेश्वर उसके विरोध में है. And because of our lack of knowledge, we come in some problem. और हमारे ज्ञान के अभाव के कारण हम कुछ समस्या में आ जाते हैं. When we take our decision, हम हमारा खुद का निर्णय लेते हैं. We think that this is the right for me. और हम सोचते हैं कि ये मेरे लिए सही है. Here in Psalm, in Proverbs 14:12 says. नीति वचन 14:12 कहता है. Either people want to walk in their own way, there is a way that seem right to man. It seem that I am right. ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है. But it ends is the way of death. परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है. So people when they have no knowledge they perish. तो जब लोगों के पास ज्ञान नहीं होता तब उनका नाश होता है. When we remain ignorant, जब हम अनदेखे में अनजाने में रहते हैं, God is helpless. तब परमेश्वर निसहाय हो जाता है. So we should say, Lord, give me wisdom. तो हमें कहना चाहिए, प्रभु मुझे ज्ञान दो. So God is helpless when people are ignorant. तो जब लोग अनजान होते हैं, अनदेखा करते हैं, तब परमेश्वर निसहाय हो जाता है. He cannot do because people are not. They don't want knowledge of God. वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि लोग परमेश्वर के ज्ञान को पाना ही नहीं चाहते. Man have already chosen that we are right and we don't know need God's knowledge. परमेश्वर ने खुद तय कर लिया है कि हम सही है और हमें man has thought already. माफ करना, मनुष्य ने खुद यह तय कर लिया है कि हम सही है और हमें परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत नहीं. Third thing. तीसरी बात. John 10:26. यूहन्ना 10:26. God is helpless. परमेश्वर कब निसहाय होता है? God is helpless when people are not his own. जब लोग परमेश्वर के खुद के नहीं होते तब परमेश्वर निसहाय हो जाता है. When our neighbor are dying, we cannot do anything. जब हमारे पड़ोसी मरते हैं तब हम कुछ नहीं कर सकते. They are not our family that we go and give them money and we earn for them. वो हमारे परिवार के नहीं कि हम जाकर उनको पैसा दे या उनके लिए कमाए. When they are hungry, we cannot feed them. जब वो भूखे होते हम उनको खाना नहीं खिला सकते. We see our family first. हम हमारे परिवार को पहले देखते हैं. John 10:26 Jesus said. यूहन्ना 10:26 यीशु ने कहा. You believe me not?
तुम मेरे मुझ में प्रतीति नहीं करते, for you are not my sheep, क्योंकि तुम मेरे बेड़ों में से नहीं हो. When they are not lost sheep, जब वो प्रभु के भेड़ नहीं होते, Lord cannot die for them, तो प्रभु उनके लिए नहीं मर सकता. When Lord has not chosen them, जब प्रभु ने उनको पसंद नहीं किया है, he cannot save them, तब प्रभु उनको नहीं बचा सकता. When they are not his sheep, God don't talk with his sheep, जब वो प्रभु के भेड़े नहीं होते तो प्रभु वो दूसरे, he cannot speak with his those sheep, तो वो दूसरे भेड़ों के साथ प्रभु बात नहीं करता. And though and who are not God's Lord's sheep, और जो प्रभु के भेड़े नहीं है, they cannot listen Lord's voice, और वो प्रभु के तब वो प्रभु के आवाज भी नहीं सुन सकते, because they have no Lord Jesus Christ over them, क्योंकि उनके ऊपर प्रभु यीशु उनका प्रभु नहीं है. They have no Lord as shepherd, और उनका कोई प्रभु, Lord Jesus is not shepherd, प्रभु यीशु उनका चरवाहा नहीं है. इसलिए so Jesus is helpless when the people are not his own, तो यीशु निस्सहाय हो जाता है जब लोग यीशु के नहीं होते तब. When there is judgment, the fourth thing, when there is judgment, there is no help from Lord. और चौथी बात यह है कि जब न्याय आता है तब प्रभु निस्सहाय हो जाता है, प्रभु की ओर से कोई सहाय नहीं मिलती. When he sit on judgment seat, he is helpless to help people. जब प्रभु, when he is on that seat, जब प्रभु अपने न्याय के सिंहासन पर बैठता है तब वो लोगों की सहाय करने से रुक जाता है, सहाय नहीं कर पाता. Because when he is at the judgment seat, he will judge correctly only. क्योंकि जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठेगा तब वो शर्म नहीं रखेगा और सही न्याय करेगा. He will not do partiality. वो पक्षपात नहीं करेगा. यशाया 49 and verse 8. यशाया की किताब 49वां अध्याय 8वां वचन. Thus said the Lord. प्रभु यहोवा ऐसा कहता है. In my acceptation time, in an acceptation time, अपनी प्रसन्नता के समय में, I have heard you, मैंने तेरी सुन ली. And in the day of salvation, I have helped you, और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की. So God says that I can help you at the time when I am ready. तो परमेश्वर कहता है कि जब मैं तैयार होता हूँ तब मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ. When it is the time to help, I can help you. जब मदद करने का समय होता है तब मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ. God is helpless when there is no time for him to do that. और वो करने का समय जब परमेश्वर का नहीं होता है तब वो निस्सहाय होता है. Luke 19 and verse 44. लुका का सुसमाचार 19वां अध्याय 44वां वचन. The enemies will dash your children to the ground. तेरे दुश्मन तेरे संतानों को पत्थर पर मारेंगे. They shall not leave in thee one stone over another. और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे. Because they knew not the time of thy visitation. क्योंकि तूने तेरी मुलाकात का कृपा का समय नहीं जाना. People have not saw or not received Jesus Christ. लोगों ने यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया है. So Lord will send his judgment. तो प्रभु उसका न्याय भेजेगा. When Lord sends fire upon Sodom Gomorrah. जब प्रभु ने सदोम गमोरा पर आग डाली. That was judgment time. वो न्याय का समय था. And if destroy all the wicked people. और वो न्याय ने सारे दुष्ट लोगों को मार डाला. There was he helpless to help and give grace. वहां पर प्रभु निस्सहाय था उनको मदद करने के लिए या कृपा करने के लिए. बिकॉज द टाइम वॉज ओवर. क्योंकि उनका समय पूरा हो गया. So था. God is helpless when there is no time. तो जब समय नहीं होता है तब परमेश्वर निस्सहाय होता है. फिफ्थ थिंग, पांचवी बात, नंबर 32 एंड वर्स 23. गिनती की किताब 32वां अध्याय 23वां वचन. When someone sin, Jesus is helpless. जब कोई पाप करता है तब यीशु निस्सहाय हो जाते हैं. It says, यहाँ पर लिखा गया है, If you keep on doing, then behold, you are sinned against the Lord. यदि तुम प्रभु के यहोवा के विरोध में पाप करते रहोगे, Yes, तो जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा. And be sure your sin will find you out. और ये मान लो कि तुम्हारा पाप तुम्हें पकड़ लेगा. When someone do sin, जब कोई पाप करता है, there is no hope to be saved. तब उसका उद्धार के उसके बचने की कोई आशा नहीं रहती. Either receive punishment, या तो सजा का स्वीकार करो, or go back and pay the penalty as he wanted, या तो फिर he demanded,
परमेश्वर के पास जाकर वो जो मांगता है वो करके दिखाओ. सो God is helpless when people sin. तो जब लोग पाप करते हैं तब परमेश्वर निसहाय हो जाता है. Genesis 4 and 7. उत्पत्ति चौथा अध्याय सातवां वचन. When Cain sacrifice offering was not accepted. जब काइन का वो बलिदान स्वीकार नहीं किया गया. And he was upset. तब वो उदास हो गया. And Lord said. और प्रभु ने कहा. If you can do what is right, will not You be also accepted. यदि तू भला करे तो क्या तेरा भी स्वीकार नहीं किया जाता? But if you refuse to do what is right, लेकिन जो भला है वो करे तू ना करे. Sin is rest. It rest. It sit comfortably at your door. तो पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है, वहाँ रहता है. And it will make you desire. It will desire make you desire. और पाप लालसा करेगा. As your event, it says that sin lies at your door. यहाँ पर लिखा गया है कि पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है. And you will have desire to do. और तुझे पाप करने की इच्छा होगी, उसकी लालसा तेरी और होगी. The meaning is that as someone having is longing, waiting for woman to come in their life. ये उसका अर्थ ऐसा है कि जैसे किसी को इच्छा होती है कि कोई औरत उसके जीवन में आए. When it come, as it desire. जैसे वो झंखना करता है कि कब वो आए. So here as your Lord says, Cain, the sin will remain there. यहाँ पर प्रभु कहता है कि काइन उसी तरह से पाप भी वहाँ रहेगा. And you will master it, you will do it. और तू पाप करेगा, पाप के ऊपर तू प्रभुता करेगा. So when someone sin against the Lord, the sin find it out and make death of the person. तो जब कोई प्रभु के विरोध में पाप करता है तो पाप उसे ढूंढ निकालता है और प्रभु के सामने वो व्यक्ति मरता है. It remain hidden in the man. वो मनुष्य में छिपा हुआ रहता है. When man hide the sin within his heart, God is helpless. जब मनुष्य अपने हृदय में पाप छिपाता है तो परमेश्वर निसहाय हो जाता है. For sin will lead you to commit another sin and cause death. क्योंकि पाप आपको दूसरा पाप करवाएगा और मृत्यु तक ले जाएगा. Paul says in Romans 7 and verse 20. पौलुस कहता है रोमियो का पत्र सातवां अध्याय बीसवां वचन. Evil dwells, so what you want to do, you are unable to do. दुष्ट हाजिर रहता है, इसीलिए तुम्हें जो करना है वो तुम नहीं कर सकते. Evil dwells within you. तुम्हारे अंदर दुष्टता रहती है. And so you are not able to do what you want to do. इसीलिए जो तुम करना चाहते हो वो कर नहीं पाते हो. So this is the same thing that when there is sin within you, you cannot call or you cannot come out from that sin. तो ये ऐसी बात है कि जब आप when you sin पाप करते हो तो पाप it remains hidden in you. वो पाप आपके अंदर छिपा रहता है, उससे आप बाहर नहीं निकल सकते. So this is a time of grace that we can shout to the Lord. तो ये कृपा का समय है कि हम प्रभु को पुकार सकते हैं. But before we receive Jesus Christ, Satan is want to swallow all those as a prey. लेकिन यीशु मसीह का स्वीकार हमने किया उससे पहले शैतान था जो सबको स्वीकार करके निगल जाना चाहता था. And at that time, God is helpless if we choose Satan to rule over us. और उस समय यदि हम शैतान को पसंद करते हमारे ऊपर अधिकार चलाने के लिए तो परमेश्वर कुछ नहीं कर पाता. If we commit our life in Satan, then God is helpless. यदि हम हमारा जीवन शैतान के हाथ में देते हैं तो परमेश्वर निसहाय हो जाता है. And sin find us out, and there is no other option to be saved. और पाप उसको ढूंढ निकालता है और उसका बचने We have no other option to be saved. उसका बचने के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता. Sixth thing. छठी बात. When someone don't accept the truth. जब कोई व्यक्ति सत्य का स्वीकार नहीं करता. They got time. They see miracles. उनको समय भी मिला, चमत्कार भी उन्होंने देखे. Still they don't agree with the believer. फिर भी वो विश्वासियों के साथ एक नहीं होते. They want to be in darkness. वो अंधेरे में रहना चाहते हैं. They know that they are in darkness and they want to continue there. वो जानते हैं कि वो अंधेरे में है और वहाँ ही वो रहना चाहते हैं. When someone is willing to fall in pit,
जब कोई अपनी इच्छा से गड्ढे में गिरना चाहता है, when someone don't want to accept the truth, जब कोई सत्य का स्वीकार करना नहीं चाहता, seeing the miracles, चमत्कार को देखकर भी, seeing healing power, और चंगाई के सामर्थ को देखकर भी, God leave the people, वो ऐसे लोगों को परमेश्वर छोड़ देता है, God is helpless, परमेश्वर निसहाय हो जाता है, why God killed the people who came out of Israel when they doubt Lord? मिसर से जो लोग बाहर निकले उनको परमेश्वर ने क्यों मार डाला, जो परमेश्वर में संदेह करते थे उनको क्यों मार डाला? There God was helpless. क्योंकि वो समय में परमेश्वर निसहाय था. Because the people already wanted. क्योंकि लोग ऐसा चाहते थे. They saw the truth and they didn't receive the truth. उन्होंने सत्य को देखा लेकिन सत्य का स्वीकार नहीं किया. So when someone deny the truth, तो जब कोई सत्य का इनकार करता है, they are asking for death. वो मृत्यु मौत मांग रहे हैं. Seventh thing. सातवीं बात. When someone think he is smart enough, I need no God. जब कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं बुद्धिमान हूँ और मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं. Or I don't need to follow God word. और परमेश्वर के वचन का पालन करने की मुझे जरूरत नहीं, ऐसा कोई सोचे. So Paul he says that I am fear of the people when time might come that you take wrong decision. तो पौलुस कहता है कि मुझे डर लगता है ऐसा समय आएगा कि तुम गलत निर्णय ले लोगे. I can say God fear of Satan. मैं कहूंगा कि शैतान से परमेश्वर डरता है. Because people might be trapped in Satan's cunningness. क्योंकि लोग शायद शैतान के बहकावे में आ जा सकते हैं. Paul was afraid and said I have fear as Eve was deceived, you might be deceived. पौलुस को डर लगा और उसने कहा कि जैसे हवा को बहकाया गया शैतान के द्वारा, वैसे शायद शैतान आपको बहका देगा, ऐसी मुझे चिंता रहती है, डर रहता है. You might be come in trap in Satan's trap. आप शायद शैतान की जाल में फंस जाओगे. Lord has fear of Satan. प्रभु को शैतान से डर रहता है. And so when he raised from the dead, इसीलिए प्रभु जब मृत्यु से उठा, He said to Peter, he met Peter. वो पत्रस से मिला. In John 21 and 16-17 verse, 15-16-17 verse. योहन्ना का सुसमाचार 21वां अध्याय 15 से 17वें वचन में. Jesus said, यीशु ने कहा, feed my sheep. मेरे भेड़ों को चरा. If you love me, यदि तू मुझसे प्रेम करता है, take care of my sheep. मेरे भेड़ों की रखवाली कर. If really you love me, यदि तू सच में मुझसे प्रेम करता है, please, मेहरबानी करके, feed my sheep. मेरे भेड़ों को चरा. So we see. Jesus is having love for his people. तो यहाँ हम देखते हैं यीशु का प्रेम अपने लोगों के लिए. And he is so much afraid that my sheep be lost. पर यीशु इतना डरता है कि शायद मेरे भेड़े खो जाएंगे, नाश हो जाएंगे. So he appoint Pastor Peter as over the church. इसीलिए यीशु ने पासबान पत्रस को कलीसिया के ऊपर नियुक्त किया. He loved his disciples. यीशु ने अपने चेलों से प्रेम किया. Paul says, पौलुस कहता है, For I have fear if you can go to do even after having seeing such great miracles, you might go in another way. पौलुस कहता है कि इतने सारे चमत्कार देखने के बाद भी I have fear. मुझे डर लगता है कि तुम भटक जाओगे. What will happen to those? Why Lord has given authority? Just think. प्रभु ने अधिकार क्यों दिया है, केवल सोचो. Why God has been so merciful over his people? परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर इतनी दया क्यों दिखाई है? Just think why God is doing miracles. सोचो कि परमेश्वर चमत्कार क्यों कर रहा है? Just he want that people be not come in trap. इसीलिए कि वो ये चाहता है कि लोग कोई दूसरी जाल में ना फंसे. And as Satan is roaring as lion to pray or to get food, जैसे शैतान गरजने वाले शेर के जैसे घूमता फिरता है, खाना ढूंढता है. Lord is fear. वो देखकर प्रभु को डर रहता है. And so he every time give testimony of himself. इसीलिए हर बार प्रभु अपनी गवाही देता है. Lord is feared
बिकॉज पीपल हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअल थिंग्स. प्रभु को डर लगता है क्योंकि लोगों को आत्मिक बातों का अनुभव नहीं है. लॉट पीपल हैव नो विजडम ऑफ गॉड. और लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है. पीपल हैव नॉट सॉ द पावर ऑफ गॉड. लोगों ने परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं देखा है. पीपल हैव रियली नॉट वर्शिप्ड द लॉर्ड. लोगों ने सच में परमेश्वर की आराधना नहीं की है. पीपल हैव नॉट केम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आए है. पीपल हैव रियली नॉट टच्ड द लॉर्ड प्रेजेंस. और लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को छुआ नहीं है. दे हैव नॉट बीन हैविंग अ पर्सनल रिलेशनशिप विद लॉर्ड. उन्होंने प्रभु के साथ अपना अंगत संबंध नहीं बनाया है. दे हैव जस्ट हर्ड मिरेकल बट दे हैव नॉट सॉ मिरेकल्स. उन्होंने केवल चमत्कार सुने हैं, देखे नहीं है. इफ यू गो बैक देन गॉड वुड बी हर्ड. यदि आप पिछले जीवन में वापस चले जाओ तो परमेश्वर को दुख होगा. एंड सो गॉड वांट दैट हिज पीपल बी मैच्योर. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग परिपक्व हो जाए. इन एफएससी 4:11-12 सेज. एफएससी का पत्र 4:11-12 वचन कहता है, ओवर द सेंट ओवर द चर्च पीपल गॉड गेव एपोस्टल्स प्रोफेट्स इवेंजेलिस्ट पास्टर्स एंड टीचर्स. कलीसिया के लोगों के ऊपर, संतों के ऊपर परमेश्वर ने पासबान दिए, प्रेरित दिए, भविष्यवक्ता दिए, पासबान दिए, सुसमाचार देने वाले दिए और शिक्षक दिए. सो दैट दे कैन मैच्योर द क्रिश्चियन. इसीलिए कि वो मसीही लोगों को मजबूत बनाए. सो लॉर्ड इज अफ्रेड दैट हिज बिलव्ड पीपल माइट नॉट गेट लॉस्ट इन द वर्ल्ड. तो प्रभु को डर रहता है कि उसके प्रिय लोग शायद इस संसार में तितर बितर ना हो जाए, नाश ना हो जाए. एंड सो ही सेंड हिज डिसिपल्स. इसीलिए वो अपने एज लीडर्स एज अथॉरिटी अपने चेलों को अधिकार देकर आगेवान बनाकर भेजता है. सो ही डू मिरेकल्स. और इसीलिए वो चमत्कार करता है. सो गॉड जस्ट लव द पीपल एंड गिव ग्रेस. इसीलिए परमेश्वर प्रेम करता है और अनुग्रह देता है. एंड गिव विजडम. और ज्ञान भी देता है. एंड सेंड होली स्पिरिट. और पवित्र आत्मा भेजता है. नॉट अ फियर ऑफ दैट सैतान. परमेश्वर दैट ही डोंट टेक एडवांटेज. प्रभु को डर है वो शैतान से कि शैतान कोई फायदा ना उठा ले. बिकॉज पीपल आर वीक क्रिश्चियन. क्योंकि मसीही लोग कमजोर मसीही है. दे आर जस्ट न्यू बॉर्न बेबीज. वो नए जन्मे हुए संतान के जैसे है. दे माइट नॉट बी सोलन बाय दैट डिसीवर. और वो धोखे देने वाले के द्वारा शायद वो उसे निगल भी सकता है. लॉर्ड इज अफ्रेड दैट The people, his own people, might not be misled. और उन प्रभु के लोगों को गलत मार्ग पे कोई ना ले जाए, ऐसा प्रभु को डर रहता है. Again, Lord is not fearing of any losing battle. और कोई युद्ध हारने से प्रभु को कोई डर नहीं है. But he is fear of losing the believer. लेकिन वो अपने प्रिय लोगों को छोड़ने से डरता है. Whom he loved. जिससे वो प्रेम करता है. He don't want his own people to see in fire. वो अपने खुद के लोगों को आग में देखना नहीं चाहता. So he will send angels and he will keep on sending angels. इसलिए वो दूतों को भेजेगा और भेजता ही रहेगा. And he will fight for his own people. और वो अपने लोगों के लिए लड़ेगा. He for he love his people. क्योंकि वो अपने लोगों से प्रेम करता है. For caring his people, he sent servants. वो अपने लोगों की संभाल रखने के लिए सेवकों को भेजता है. He loves this church, so he sent Holy Spirit. वो अपनी कलीसिया से प्रेम करता है, इसलिए वो पवित्र आत्मा भेजता है. So we send truth. We are also spreading the truth. इसलिए हम भी वो सच्चाई को प्रकट करते हैं, फैलाते हैं. That God is afraid of losing his people. कि परमेश्वर अपने लोगों को गवाह देने से डरता है. Yes, he don't want to lose anyone. वो अपने लोगों में से किसी को भी गवाह देना नहीं चाहता. And so this is the time that we should be prepared and have wisdom, more wisdom. तो ये समय है कि हम तैयार हो जाए और ज्यादा ज्ञान पाए. And not be fooled by Satan. और शैतान हमें मूर्ख ना बना जाए. We love God. हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं. And we will love Jesus Christ. और हम यीशु मसीह से प्रेम करेंगे. And we will never doubt our Lord Jesus Christ. और हम हमारे प्रभु यीशु मसीह में कभी संदेह नहीं करेंगे. Praise God. परमेश्वर का महिमा हो. God is helpless. परमेश्वर निसहाय है. And God is afraid also. और परमेश्वर डरता भी है. Does God get angry? जैसे परमेश्वर को गुस्सा आता है. He react.
और वो प्रतिक्रिया करता है. When he got in love, और जब वो प्रेम में पड़ता है, he promise, तब वो वचन देता है. When he is displeased, और जब वो नाखुश होता है, and he also reject the people, तब वो लोगों का नकार भी कर देता है. When he is angry, जब वो गुस्सा करता है, even he deny his people, तब वो अपने लोगों को इनकार करता है. And even can say, I don't want to see you, और वो किसी को भी कह सकता है कि मैं तुझे देखना नहीं चाहता. And when he is afraid, और जब परमेश्वर डरता है, he send something. तब वो कुछ भेजता है. He send message. वो संदेश भेजता है. He send miracles. वो चमत्कार भेजता है. So that people don't get away from God. इसीलिए कि लोग परमेश्वर से दूर ना हो जाए. So there is battle going on. तो ये युद्ध हो रहा है. And God get, he react. और ये युद्ध में परमेश्वर प्रतिक्रिया देता है. When God loves us, जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, then we should love him. तो हमें भी उसे प्रेम करना चाहिए. Amen. Amen. Love your Lord. आपके प्रभु से प्रेम With करो. All your strength. आपके पूरे सामर्थ्य से. With all your heart. पूरे हृदय से. With all your wisdom. और पूरे ज्ञान से. With all your understanding. और अपनी पूरी समझ से. With all your strength. और अपने पूरे सामर्थ्य से, शक्ति से. With all your mind. अपने पूरे मन से. With all your body. अपने पूरे शरीर से. Love Jesus Christ. यीशु मसीह से प्रेम करो. Amen. Amen. God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. He will bless you. वो आपको आशीष देगा. He will bless the church. वो कलीसिया को आशीर्वाद देगा. Outside church he is helpless. और कलीसिया के बाहर परमेश्वर निसहाय है. Better come in the true church. बेहतर ये होगा सच्ची कलीसिया में आ जाओ. In Jesus name. यीशु के नाम में. I request. मैं विनती करता हूँ. Amen. Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद. Father. We come in Jesus name. पिता हम यीशु के नाम में आते हैं. There is safety in your church. आपकी कलीसिया में सुरक्षा है. There is no wolf can attack. और कोई भी भेड़िये आपके कलीसिया में प्रहार नहीं कर सकते. And no power of Hades can overcome. और नरक की कोई भी शक्ति कलीसिया के ऊपर विजय नहीं पा सकती. Lord, where you are there is freedom and there is joy. प्रभु जहां आप होते हो वहां स्वतंत्रता होती है और आनंद होता है. Lord, be with your people, I pray. प्रभु आपके लोगों के साथ रहो मैं प्रार्थना करता हूं. Father, thank you for your words. पिता आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद. Thank you for your promises. आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद. Thank you for revelation. प्रकटीकरण के लिए आपका धन्यवाद. We read that Paul met you. हमने पढ़ा कि पौलुस आपसे मिला. And he was with your spirit. और पौलुस आपके आत्मा के साथ था. He agreed with you. और पौलुस आपके साथ सहमत हुआ. And also he got revelation that you also are in fear. और पौलुस को एक ज्ञान भी मिला कि परमेश्वर आप भी डरते हो. You when you get angry you react. और जब आपको गुस्सा आता है तब आप काम करते हो. And we when you are afraid you send announcement and you send alert word. और जब आप डरते हो तब आप घोषणा करते हो और चेतावनी के वचन भेजते हो. You make alert your people. आप आपके लोगों को चेतावनी देते हो, चौकन्ना करते हो. And also you bear, you speak with your people. और आपके लोगों के साथ आप बात भी करते हो. Lord, this is your speaking, we know. प्रभु ये आप बोल रहे हो हम जानते हैं. We know people are innocent and so you are afraid. हम जानते हैं कि लोग भोले हो और इसीलिए आपको डर रहता है. And there is Satan, the enemy, watching the people. और शैतान है, दुश्मन है जो लोगों को देख रहा है. He watches your people. वो आपके लोगों को देख रहा है. To swallow them as a hungry lion. वो एक भूखे शेर के जैसे उनको निगल जाना चाहता है. Lord, we pray for your people. प्रभु हम आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं. Your people receive grace. आपके लोगों पर अनुग्रह आए. Let your people receive wisdom. आपके लोग ज्ञान पाए. Let your people receive power. आपके लोग सामर्थ पाए. Let your people receive the truth. आपके लोग सत्य पाए. Let your people receive you, Lord. और आपके लोग प्रभु आपको पाले. And receive you as Lord. और आपको प्रभु मान ले. Over their life. उनके जीवन में आपको प्रभु बना ले. Family. उनके परिवार पर. Wherever they touch, they get inspiration. और जब भी वो छुए उनको प्रेरणा मिले. As you say, they speak. जैसे आपने कहा और वैसे आप वो बोले. As you want to be, you want that people move, they move. और जैसे आप लोगों को चलाना चाहते वैसे आपके लोग चले. As you want your people be led, let them be led. और जैसे आप चाहते हो कि आपके लोग चले अगवाही में रहे वैसे उनको अगवाही मिले. Father, I pray in Jesus name. पिता मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ. Let your church be
in your control. आपकी कलीसिया आपके नियंत्रण में अधीनता में रहे. And whatever you don't want, be removed. और जो आप नहीं चाहते हो वो सब निकाल दिया जाए. Your people receive grace. आपके लोग अनुग्रह पाए. And those who are not in your church. और जो लोग आपकी कलीसिया में नहीं है. Not in the flock. जो झुंड में नहीं है. Not are your sheep. जो आपके भेड़े नहीं है. Still are outside of in the world. और फिर और अब तक वो दुनिया में बाहर है. एंड यू नीड यू वांट दैट दे आल्सो बी सेव्ड. और आप यदि चाहते हो कि वो भी बच जाए. लेट दे रिसीव ट्रूथ. तो वो भी सत्य को पाले. लेट दे आल्सो रिसीव एंड हर योर गॉस्पेल. वो भी सुसमाचार को सुने और स्वीकार करे. लॉर्ड गिव अस टाइम. प्रभु हमें समय दो. वी वांट टाइम. हमें समय चाहिए. लॉर्ड गिव अस टाइम. प्रभु हमें समय दो. सो दैट वी कैन स्प्रेड योर वर्ड. इसीलिए कि हम आपके वचनों का प्रचार कर सके. सेव योर पीपल. आपके लोगों को बचा लो. फ्रॉम डाइंग. मरने से बचा लो. एंड हु वांट द डिस्ट्रक्शन. और जो विनाश चाहते हैं. लेट देम बी डिस्ट्रॉयड इन जीसस नेम. वो यीशु के नाम में नाश हो जाए. दोस हु वांट टू डिस्ट्रॉय क्रिश्चियन पीपल. जो लोग ईसाई लोगों को नाश करना चाहते हैं. लेट देम बी डिस्ट्रॉयड. वो विनाश हो जाए. लेट देम सी दैट गॉड इज विद क्रिश्चियन पीपल. और वो देखे कि परमेश्वर विश्वासी ईसाई लोगों के साथ है. लॉर्ड आई प्रे. प्रभु मैं भोले लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ. दे रिसीव नॉलेज. वो ज्ञान पाए. लेट दे कम ऑन देयर नीज एंड प्रे एंड आस्क फॉर नॉलेज. वो अपने घुटनों पर आए और प्रार्थना करे और ज्ञान मांगे. एंड दे रिसीव विजडम टू. और वो ज्ञान पाए भी. फादर आई प्रे. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ. हेल्प योर पीपल. आपके लोगों को मदद करो. यू These people need grace. ये लोगों को अनुग्रह की जरूरत है. Without your grace, they will not able to listen your word. आपके अनुग्रह के बिना वो आपके वचनों को नहीं सुन पाएंगे. Without grace, they will not believe your word. और अनुग्रह के बिना आपके वचन पर वो विश्वास नहीं कर पाएंगे. Without your grace, they cannot accept you as Lord. आपके अनुग्रह के बिना वो आपको प्रभु नहीं मान पाएंगे. Let they receive the truth. वो सत्य का स्वीकार करे. Let your word be spread in the world. आपके वचनों का प्रचार दुनिया में हो. Who are watching and listening, they receive grace of Jesus Christ. जो लोग देख रहे सुन रहे वो यीशु मसीह की कृपा पाले. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Let's pray together. What Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना करे. Our Father who art in heaven. ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो. Your is thy name. आपका नाम माना जाए. Thy kingdom come. आपका राज्य आए. Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो. As it is in heaven, let it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो. Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो. And forgive our debts. हमारे अपराधों को माफ करो. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया. And lead us into temptation. और हमें परीक्षा में ना ले जाओ. But deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचा लो. For thine is kingdom. क्योंकि राज्य आपका है. Thy is power. पराक्रम आपका है. Thy is glory. महिमा आपका है. Forever Father, you are a God. सदा के लिए पिता आप हम परमेश्वर हो. In Jesus name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. Amen. Amen. Now the grace of our Lord Jesus Christ. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह. And love of our Father. और हमारे पिता का प्यार. Fellowship of Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सहभागिता. Be with us. हमारे साथ रहे. And with all who are with the church. और जो कलीसिया के साथ है वो सबके साथ बनी रहे. And who are going to join with the church. और कलीसिया में जो जुड़ने वाले हैं उनके साथ. Amen. Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Praise God. Praise God. Shalom. Shalom. Praise God. God.